should take it slow. Assalamualaikum viewers, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम बना रहे हैं मिंट मार्गरीटा। जैसे कि शदीद गर्मियाँ आ चुकी हैं और शदीद गर्मियों में ठंडी ठंडी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, तो एक ठंडी ठंडी सी रेसिपी जो आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। यहाँ मैंने एक कप पुदीने के पत्ते लिए हैं, 500 ml मैंने 7 up ली है, 1/4 teaspoon नमक लिया है, 1/2 teaspoon काला नमक लिया है। चीनी आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, मैंने यहाँ पे 3 tablespoon ली है। तो बर्फ हसबें ज़रूरत है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बस मिंट मार्गरीटा बनाने के लिए मैंने जूसर जग लिया है, मैं इसमें शामिल कर दूंगी पुदीने के पत्ते। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चीनी, नमक, काला नमक। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 7 up, अब जितनी भी जरूरत के हिसाब से हमें बर्फ चाहिए वो बर्फ भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो चलिए अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। देखिए मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और मिंट मार्गरीटा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, मिंट मार्गरीटा को और भी रिफ्रेशिंग बनाने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लेमन जूस। इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तो आप ये भी अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मिंट मार्गरीटा बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी। हमें फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की और आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेकबान। Should take it slow.